नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्वी फैशंस। इस चैनल पे आपको मिलेगी ड्रेस डिजाइनिंग आइडियाज, हाउ टू रीयूज योर ओल्ड क्लोथ, हाउ टू रीयूज योर ओल्ड क्लोथ विद न्यू स्टाइल, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, मेकअप, मेनी मोर थिंग्स टू कम। जैसे कि आपको पता है करवा चौथ आने वाला है, तो और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको क्या पहनना है, कैसे स्टाइल करना है, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप किस कलर कॉम्बिनेशन के साथ क्या पहन सकते हैं, आप क्या ले सकते हैं, क्या अपनी ड्रेस डिजाइन करा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट हम अपनी शिफोन की साड़ीज ले सकते हैं। एक्चुअली इस बार अक्टूबर में ही करवा चौथ आ गया है, सो थोड़ा सा है अभी दिल्ली, नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में, हरियाणा में अभी भी थोड़ी गर्मी है, तो मुझे लगता है कि शिफोन की साड़ीज इसके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। आप अपनी रेड कलर की शिफोन की साड़ीज को ले सकते हैं और उनके साथ ब्यूटीफुल ब्लाउज ले सकते हैं और उनको पेयर करके ब्यूटीफुल तरीके से ड्रेप कर सकते हैं, और ये बहुत सुंदर लगती है जब आप करवा चौथ पे पहनेंगे। ये मेरी रेड कलर की साड़ी है, प्लेन शिफॉन की साड़ी है, बट मैंने इसको बड़े अच्छे ब्लाउज के साथ पहना है। और अगर आप इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं अपनी शिफॉन की साड़ीज के साथ, तो आप अपनी शिफॉन की प्लेन साड़ी के ऊपर ऐसे वर्क भी करा सकते हैं। ये बहुत सुंदर लगता है, ये शिफॉन की साड़ी को और ज्यादा एलिगेंट लुक देता है और फेस्टिव लुक देता है, जिससे कि ये साड़ियाँ और ज्यादा सुंदर लगती हैं। तो मैंने ये वर्क कराया है, मेरी शिफॉन की प्लेन, ये मेरी शिफॉन की प्लेन साड़ी थी, बट मुझे वो इतनी अच्छी नहीं लगी बिकॉज मेरे पास सेम कलर की दो साड़ियाँ हैं, तो मुझे लगा कि इसको थोड़ा सा अलग करते हैं, इनोवेटिव बनाते हैं, तो मैंने इस पर ये सिरोस्की वर्क कराया एंड इसके यहाँ पे मैंने शोल्डर पे ये ब्रॉच वर्क कराया, जिससे कि ये साड़ी बहुत सुंदर लगती है और मैं आपको पहन के दिखाऊंगी। साड़ी है ये लहरिया जॉर्जेट की साड़ी, ये भी काफी अच्छी लगती है जब हम पहनते हैं, और इसमें ये लहरिया है। एक्चुअली इसके सिर्फ पल्लू पोर्शन पे लहरिया पोर्शन है, अंदर इसमें डुअल शेड का बना हुआ है, जिससे कि जब आप पहनते हैं तो आपकी प्लेट्स वगैरह काफी अच्छी आती है, प्लेट्स काफी अच्छी बनती है, और जब आप इसको पहनेंगे अपने फेस्टिव लुक में तो ये बहुत अच्छी लगेगी। अपने करवा चौथ पे अगर आप इसको कैरी करते हैं तो कुछ अलग सा लुक निकल कर आएगा। अगर आप अपने करवा चौथ पे कोई सूट पहनना चाहते हैं तो उसको कैसे बनवा सकते हैं, कैसे उसको स्टाइल कर सकते हैं, कहाँ से कपड़ा ले सकते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी। ये मेरा जॉर्जेट का सूट है, इस पे ये सीक्वेंस वर्क का काम है। एक्चुअली ये लग शीशे जैसा है, बट ये शीशा नहीं है, ये पेपर काइंड ऑफ शीशे है, जो जिससे कि पूरी शर्ट भरी हुई है, और ये मैंने अपना चांदनी चौक से सूट लिया था, ये मुझे काफी रीजनेबल पड़ गया था। और आप चाहते हैं कि कुछ रीजनेबल ड्रेसेस पहने तो आप ऐसा कुछ भी तैयार करा सकते हैं अपने करवा चौथ के लिए, एक सिप्पी वर्क में या फिर किसी बूटे वर्क में, ये ऐसा कोई कपड़ा लेके आप बनवा सकते हैं शर्ट, जो कि बहुत सुंदर लगती है पहनने के बाद। उसके साथ आप अपनी पैंट्स को कैरी कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई मरून पैंट्स है तो आप उसके ऊपर ऐसा कुछ शर्ट बना सकते हैं, या फिर आप इसके साथ भी पैंट लेकर पहन सकते हैं। आप रेडीमेड भी लेंगे तो वो भी अच्छी है, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि ज़्यादा डिज़ाइन करके कपड़े पहनना, उनको स्टाइल से पहनना, एंड मैंने इसके साथ ये सिंपल जॉर्जेट का ही दुपट्टा लिया है, जो पहनने के बाद बहुत अच्छा लगता है, और मैं आपको दिखाऊंगी कि आप इसको कैसे पहन सकते हैं, कि कैसा लगेगा पहनने के बाद, आपको इससे अपनी ड्रेस को डिज़ाइन करने का आइडिया आपको मिल जाएगा। रेड कलर का ही मेरा सूट है। एक्चुअली करवा चौथ तो हम प्रेफर करते हैं कि रेड पहने,
सो मैंने आपको डिफरेंट स्टाइल में रेड को कैसे कैरी करना है वो बताऊंगी, और इसको कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, जैसे मेरे उस सूट के साथ पैंट थी, सो मैंने इसके साथ इसको ए लाइन बनवाया है। ये ए लाइन मेरी शर्ट है, बहुत सुंदर शर्ट है, इस पर मैंने लेस लगवाई है और ये स्लीव बेल स्लीव का काम कराया है, एंड इसके साथ मैंने अपना फ्लेयर वाला प्लाजो बनवाया है। ये प्लाजो बहुत सुंदर लगता है जब आप पहनते हैं, ये ए लाइन शर्ट के साथ बड़ा सुंदर खिलके आता है। मैंने साइड में स्लीव्स लगवाई हैं इसमें, एंड इसके साथ मैंने लेस वर्क का काम भी करवाया है, और इस पे ऑलरेडी बूटी थी तो ये और ज्यादा सुंदर लग रहा था, एंड इसको मैंने अपने रेड दुपट्टे के साथ, रेड नेक के दुपट्टे के साथ पेयर किया है, जो कि बहुत सुंदर लगता है जब मैं पहनती हूँ ये पूरा कॉम्बिनेशन। ये एक्चुअली मैं पहन चुकी हूँ अपनी लास्ट करवा चौथ पे, बट मैं आपको ड्रेस डिजाइनिंग के आइडियाज में ये दिखाना चाहती हूँ कि आप अपने इस करवा चौथ पे भी क्या पहन सकते हैं, कुछ इनोवेटिव बना सकते हैं। फिर ये मैंने अपना ड्रेस लिया था चांदनी चौक से, ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं आते, आप कुर्ती से अगर कपड़े लेते हैं तो वो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं आते, वो मैटर करता है कि आप थोड़े स्टाइलिश कपड़े लें, चाहे वो रेंज में कम हो बट वो स्टाइलिश हो, और ये कुछ ज्यादा महंगा भी नहीं था, आई थिंक 500 मीटर समथिंग कपड़ा था, और मैं ये 3 मीटर कपड़ा लाई थी, एंड इसका प्लाजो भी मैं 3 मीटर ही लाई थी, ये काफी सस्ता अराउंड 250 रुपीज मीटर लास्ट ईयर एक्चुअली। और मैंने इसके दुपट्टे को अपना कोई पुराना दुपट्टा, मेरे एक्चुअली सूट का दुपट्टा था, मैं दिखाऊंगी वो सूट आपको, उस दुपट्टे के साथ मैंने इसको पेयर किया, तो ये बहुत सुंदर ड्रेस उसकर आई थी, और मैं आपको दिखाऊंगी कैसी लगेगी मुझ पर। और ये हमारी सिक्स ड्रेस है, ये मेरा रेड कलर का सूट है, ये भी मैंने अपना चांदनी चौक से, एक्चुअली चांदनी चौक हमारा थोड़ा नियर पड़ता है, एंड मुझे लगता है कि चांदनी चौक से काफी अच्छी कुर्ती या कपड़े ग्रैब कर सकते हैं, सो मैं वहां से ज्यादा लेना प्रेफर करती हूँ अपने कपड़ों को। ये मेरा रेड कलर का ही सूट है, इसको मैंने एक्चुअली मैंने इसका सिर्फ फ्रंट लिया था, मैंने बैक नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं इसको बैक में भी लगवाती सेम कपड़े को तो ये सूट बहुत ज्यादा हैवी हो जाता और पहनने में भी उतना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने इसको बैक से प्लेन रखा है, एंड मैंने इसमें डोरी का काम करवाया, एल्बो स्लीव्स बनवाई, इस पर मैंने लेस लगवाया, और इसका ये ऐसे स्टाइल में नेक बनवाया, जब मैं इसको पहन के आपको दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि ये कितना अच्छा लगता है। एंड इसकी मोनोटोनी को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि आपने लास्ट में देखा कि मैंने ऑल ओवर रेड पहना था, उसको ब्रेक करके अगर आप चाहते हैं कुछ प्रॉपर रेड ना पहन के कुछ कॉम्बिनेशन में पहने, तो मैंने इसके साथ ही अपना फ्लेयर प्लाजो बनवाया था, और ये भी बहुत अच्छा लगता है, इसको मैंने अपने सेम दुपट्टे के साथ पहना था। तो आप भी ऐसा कुछ लुक रेडी कर सकते हैं, प्लेन बट बहुत एलिगेंट लुक रेडी होता है जब आप इसको पहनते हैं। मरून कलर नहीं पहनना चाहते, कुछ अलग पहनना चाहते हैं, येलो कलर की तरफ आप जा सकते हैं, तो येलो कलर भी बहुत सुंदर लगता है। अगर आप अपनी करवा चौथ के लिए कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप चांदनी चौक जाएं, वहां पे आपको बहुत काइंड ऑफ वैरायटीज मिल जाएंगी क्लॉथ की, जो आप इजिली ले सकते हैं, इजिली कैरी कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि आपके लिए अच्छा है, जो सुटेबल है वो चीज आप ले, जिसको आप लेके अलमारियों में रखते हैं वो चीज लेने का फायदा नहीं है। ये मेरी एक ऐसी ड्रेस है जिसको मैं 2 या 3 बार पहन चुकी हूँ, ये मैंने करवा चौथ के लिए बनवाई थी, इसको मैं करवा चौथ पे भी पहन चुकी हूँ, इसको मैं अपने किसी रिलेटिव के फंक्शन में भी पहन चुकी हूँ, और ये बहुत सुंदर लगती है। एक्चुअली ये लेस है, ये मैंने काम नहीं है, ये लेस वर्क का काम है, जो कि मतलब काफी एलिगेंट लगता है, जब मैं आपको पहन के दिखाऊंगी तब आपको समझ में आएगा। ये मेरी फ्रॉक स्टाइल की कुर्ती बनवाई थी मैंने, एंड इसके साथ मैंने अपना एक एयर वाला प्लाजो बनवाया था। एक्चुअली मुझे स्ट्रेट प्लाजो उतने पसंद नहीं आते, बट मुझे ये फ्लेयर वाले प्लाजो काफी पसंद आते हैं, और ये बहुत सुंदर लगते हैं जब आप पहनते हो। इसके साथ मैंने अपना एक नेक का दुपट्टा बनवाया, इस पर मैंने अपना लेस का काम करवाया है, ये भी बहुत अच्छा लगता है ड्रेस जब आप पहनते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगी कि मुझे सारी ड्रेसेस कैसी लगती हैं, आपको आइडियाज मिलेंगे कि कैसे आप अपनी करवा चौथ की ड्रेसेस बनवा सकते हैं।
अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपने इनमें से कोई भी लुक अपने लिए कैरी किया है या अपने लिए आप सोच रहे बनवाने की, सो आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।